मैं जेपी रघुवंशी, ग्राम सूरजपुर, तहसील सिवनीवालवा, डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम, एमपी का रहने वाला हूँ। मोबाइल नंबर है मेरा 9826982495। मैंने जो धान की खेती की है अपने इस प्लाट पर पीआई का एक एथसू डाला है जो कि खरपतवार ना सके। 2 से 4 पत्ती हुई थी तब मैंने इसको डाला है। इस पर मैंने दूसरी उसका डाला था प्रोडक्ट का, जिसका रिजल्ट दोनों का आपके यहाँ सामने है। ये जो प्लाट है इस पर जब मैंने ये प्रोडक्ट जो नया लॉन्च करा था पीआई ने एक एथसू का खरपतवार नाशक, इसका रिजल्ट देखने के लिए मैं इस पर हमेशा 2-3 दिन के गैप से आता था इस फील्ड को देखने के लिए। इसका रिजल्ट मुझे 2 सप्ताह समथिंग 15 दिन में बहुत अच्छा लगा है। इस पर जो चारे की जो समेल वगैरह जो धान के लगभग इस समय आ जाती थी वो बिल्कुल भी नहीं आया है। 2 प्रकार या 3 प्रकार की चौड़ी पत्ती समेल चारा होता है या अपना आदर्श आचार आता है, उसके लिए मिला के स्प्रे करना पड़ता था हम लोगों को। कभी कभी सेकेंड बार भी स्प्रे करना पड़ता था। पीआई के जो एक केत्सु है इसकी वजह से जो मैंने इसमें स्प्रे करा है वो एक ही स्प्रे से मेरा सारा काम हो गया है। पीआई का प्रोडक्ट एक केत्सु है, इसको डालने के मुझे इसमें कई फ़ायदे नज़र आए, क्योंकि मेरे प्लाट पे जो मैं डालता था इसमें पोषक तत्व के लिए वो चारा नहीं होने की वजह से सारे के सारे मेरी जो धान की जो ग्रोथ होती है, बढ़वार होती है, उसमें जो कल्ले फूटने का टाइम होता है उसको मिलते हैं। उस वजह से मेरी धान का जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छा हुआ है। इसके कारण मुझे ऐसा लगा है कि मेरी जो लेबर की कास्ट है इसमें चारा निकालने के लिए जो लगती है वो बच गई है। सेकंड, मुझे हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो कचरा आता है वो बचेगा, माल पूरा मेरा शॉप मिलेगा, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मेरा उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। ये जो मैं प्लाट दिखा रहा हूँ ये प्लाट भी मेरा ही है, जस्ट इसके साइड से लगा हुआ जहाँ मैंने पीआई का एक सेतु खरपतवार नाशक डाला था। इस प्लाट पर भी मैं 2 स्प्रे कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन इस पर मुझे धान की हाइट के बराबर की जो समेल आती है ये भी नज़र आ रही है। सेकंड, इस पर एक और चौड़ी पत्ती का चारा आता है ये भी नज़र आ रहा है। इसको निकालने के लिए मुझे कम से कम 1 एकड़ में लेबर की कास्ट आएगी लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये, जो कि मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर मैं पीआई का एक केतु खरपतवार नाशक इसमें डाल चुका होता तो ये लागत मेरी बच जाती। सेकेंड, अगर ये मैं नहीं निकाल पाता हूँ तो मेरा जो प्रोडक्शन है इस धान का वो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसमें दाने में चमक नहीं आएगी, कचरा आएगा, प्लस मुझे बीमारियों के लिए कई प्रकार के कीटनाशक वगैरह डालने पड़ेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पीआई प्रोडक्ट है एक एथसू ये बहुत अच्छा है, और ये मुझे इस पर डालना था, क्योंकि अभी नया कंपनी ने लॉन्च करा इसलिए मैं नहीं डाल पाया, लेकिन आने वाले साल में मैं इसको बिल्कुल डालूँगा, क्योंकि मुझे इस चारे से पूरी तरह से उस पर निजात मिला हुआ है।